तो यार आज के वीडियो में हम लोग कोई टिप्स या सोल्यूशन लेके नहीं आए हैं यार। आज के वीडियो में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा उसी के बारे में आप लोगों को पहले बता दूं। दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक कंप्यूटर रहेगा, एक प्रिंटर रहेगा, है ना। तो हम कंप्यूटर से प्रिंट मारेंगे और साथ में हम फोटो कापी करेंगे, मतलब प्रिंट और फोटो कापी हम लोग एक साथ करेंगे। और उसके बाद देखेंगे यार कि प्रिंट पहले आता है कि फोटो कापी पहले होता है ना। तो रहेगा इंटरेस्टिंग वीडियो, तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, हो सकता है कुछ नया सीखने के लिए मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में और साथ में हम कैप्चर करेंगे इस प्रिंटर को भी, ठीक है। तो मेरे पास प्रिंटर है अभी वर्तमान में एप्सन L210 का पुराना मॉडल है ना। तो उसी में हम ट्रायल करेंगे, आने वाले वीडियो में हो सकता है कुछ और नए प्रिंटर से कोशिश करें यार। तो आज की वीडियो में चलो फिर यही करके देखते हैं। तो मेरे पास में कंप्यूटर और एक प्रिंटर, ठीक है। तो चलिए कैमरा फिट करते हैं वहीं पर और देखते हैं कि पहले प्रिंट होता है कि फोटो कॉपी होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया अपना कंप्यूटर और ये हो गया प्रिंटर, और ये जो है एक हमारे साथ बंदा है वो करेगा इसमें प्रिंट, और यहाँ पर ना हम कलर प्रिंट करने वाले, ठीक है। ये कलर बटन यहाँ से प्रेस करेगा, मतलब कलर कॉपी करेगा, और मैं जो हूँ कंप्यूटर से कलर प्रिंट निकालूंगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो अब जो है ना तीन बोलूँगा तो दबाना, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से प्रिंट कर दूँगा, मतलब एक साथ दोनों को प्रोसेस करना है काम, ठीक है। तो चलिए 1 2 3। तो दोस्तों यहाँ पर हम दोनों ने अपना अपना काम कर दिया और यार ये धकेल दिया था प्रिंटर को, तो देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट चालू हो गया है और उधर से भी प्रिंट इस बिजी बता रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है उधर, तो आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए प्रिंट इज बिजी और यहाँ पर ना जाने क्या निकल रहा है भाई, पता नहीं मुझे भी। अब देखना ये है कि वो प्रिंट कर रहा है ये फोटो कॉपी कर रहा है, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये अब फोटो कॉपी ही होगा, क्या कंडीशन देखते हुए लग रहा है यार। प्रिंटर को ऊपर में रख दिया हो ना तो हिल रहा है मालूम। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटो कॉपी हो गया और इसके बाद निकलेगा प्रिंट आउट। ये देखिए ये कलर फोटो कॉपी हो गया और इसके अंदर में ये है, ठीक है। अब देखिए ये जो है उसका प्रिंट लिया, अभी कंप्यूटर का प्रिंट लिया है, ठीक है। तो यार ये बात है, तो एक बार और ट्राई करेंगे, है ना। इस बार हम ब्लैक सॉरी कलर किए थे, इस बार हम ब्लैक एंड वाइट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट है दोस्तों। तो यार यहाँ पर पता चल गया कि हम प्रिंट या फोटोकॉपी करेंगे तो सबसे पहले जो है फोटोकॉपी ही निकलेगा। तो एक बार और ट्राई करेंगे हम लोग, तो दोनों पेपर हम डाल देते हैं फिर से वापस और देखते हैं फिर पहले फोटोकॉपी निकलता है कि प्रिंट निकलता है। इस बार हम क्या करेंगे, ब्लैक एंड वाइट करेंगे, ठीक है। तो यार तो भैया आप आराम से दबाना, इसको झटका मार दिए तो प्रिंटर गिर जाता, ठीक है ना। तो इस बार क्या करना है अपने को, अपने करना है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ से रुको एक मिनट रुको, मैं कमांड पहले दे रहा हूँ प्रिंट का और इसको मैं पहले कर लेता हूँ ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ इसको सेटअप ब्लैक एंड वाइट में। अब चलो रुको रुको रुको, एक साथ ना 1 2 3। तो दोस्तों हम दोनों ने एक साथ फिर से कर दिया है प्रिंट आउट और फोटो कॉपी, तो देखते हैं पहले क्या आएगा। तो यार आप देख सकते हैं फोटो कॉपी फिर से पहले ही हुआ है और उसके बाद जो है अभी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये देखिए फिर से सेम प्रोसेस हुआ है दोस्तों, वही है। तो फिर से मतलब हमने दो बार ट्राई किया है तो दोनों बार जो है सेम निकला है, मतलब शुरू में फोटो कॉपी हुआ है और उसके बाद जो है प्रिंट आउट हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंट था यार आज का। तो आज की वीडियो कैसे लगा यार कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल में नए हो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ऐसे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे कंप्यूटर और प्रिंटर के सोल्यूशन के साथ में, इस तरह से नए नए एक्सपेरिमेंट भी करते रहेंगे यार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।